हाँ भाई साहब, ये तीन ट्रांसफार्मर, एक दो तीन, दो तार बैटरी के, तीन तार, इन तीनों तारों से कनेक्टर पे लगाते हैं, जो हम करंट आता है बस कनेक्टर पे, जो मोटर थ्री फेस होती है, थ्री फेस मोटर से करंट आता है। और मैंने थ्री फेस को तीन ट्रांसफार्मर लगा के टू फेस बना दिए, यहां से ये करंट आ गया, ये एम्पीमीटर लगा इससे करंट आता है। जब गाड़ी की रेस खींचते हैं तब गाड़ी भागती है, और जब हम रेस बंद कर देते हैं तब हमारी गाड़ी चार्ज होने लगती है। जितनी दूर चलती जाएगी उतनी देर में वो चार्ज पकड़ लेती है, और हमने फिर गाड़ी की रेस ऐसी, फिर हमारी गाड़ी चालू हो गई। हमने जहां रेस बंद की गाड़ी हमारी चार्जिंग पर आ गई। वो ही मोटर करंट देती है, 48 वोल्ट करंट देती है वो थ्री फेज। और 48 वोल्ट करंट को मैंने इस डिवाइस से तीन ट्रांसफार्मर लगा के थ्री फेज को टू फेज बदल दिया है। टू फेज बिजली 80 वोल्ट करंट आता है, 48 पे 80 वोल्ट करंट आता है, तब बैटरी चालू होती है। और जे मैं कल इसे गाड़ी में लगा के दिखाऊंगा, चला के चेक करा के दिखाऊंगा आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो कल डालूंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसको पहले बार मैंने बनाया भारत के अंदर, डिवाइस मैंने बनाई है, किसी बंदे को नहीं बनाई मिली। कुछ टाइम आगे मैं मोटरसाइकिल बना रहा हूँ जो चार्ज करने ही नहीं पड़ेगी कभी भी, कितनी भी चलाओ, उसमें 40,000 रुपये लागत आ रही है, और 100 की स्पीड में भागेगी वो, देखना वो भी वीडियो, जितनी वीडियो पड़ेंगे देखना मेरी वीडियो, मेरा चैनल है। और इस डिवाइस की खास बात है ये एम्पीयर लगा हुआ है इसमें, जब मैं ये गाड़ी की रेस बंद करता हूँ ये मीटर उठ जाता है 10 एम्पीयर, और गाड़ी धक्के से चार्ज हो जाती है, जहां लो धक्की जाएगी तहां लो चार्ज हो जाती है, फिर हमने गाड़ी ऐसी फिर चार्ज, फिर रेस बंद की फिर चार्ज, इस हिसाब से इसकी चार्जिंग बैटरी को बढ़ाता रहता है। धन्यवाद, इसे सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर कर दे चैनल में, कल वाली वीडियो आपके पास फिर से पहुंच जाएगी।